अभी आप यहाँ पर क्या देख रहे हैं कि एक तरफ मैंने हेलमेट बनाया है, ठीक है, और दूसरी तरफ क्या है, एक कंकाल, ठीक है। दो पहिया वाहन चालकों को वाहन चलाते हुए क्या इस्तेमाल करना चाहिए? हेलमेट पहनना चाहिए, क्योंकि वो उसकी सुरक्षा के लिए। यदि वो हेलमेट नहीं पहनेगा तो हेड इंजरी होगी, और हेड इंजरी की वजह से सबसे ज्यादा मौतें होती है। यदि आप हेलमेट पहनते हैं, दो पहिया वाहन चालक हैं, और कभी दुर्घटना होती है तो आप सुरक्षित रह पाएंगे, मतलब आपको सिर को चोट है उससे आपका बचाव होगा। यदि आपने हेलमेट नहीं पहना और दुर्घटना गंभीर हुई और आपके सिर में लग गई चोट, क्योंकि आप गिरोगे तो ऑब्वियसली कि आपको सिर तो गिरेगा गिरेगा जमीन पर, ठीक है। तो अगर आपको हल्की भी चोट लगती है या ज़्यादा भी लगती है, तो ये जो हमारा जो एरिया होता है सिर, इतना ज़्यादा मजबूत नहीं होता है, ब्लडिंग होती है। तो इस वजह से यदि आपने हेलमेट नहीं पहना तो आपको इसका दुष्परिणाम मिलेगा, और इसमें भारत देश में सबसे ज्यादा जो मौतें होती है दो पहिया वाहन चालकों की, उसमें यह पाया गया है कि उन लोगों ने यदि हेलमेट पहन लिया होता तो उनकी जान बच जाती। तो ये बताइए, आप में से कितने मतलब ऐसे हैं कि जिनके पेरेंट्स अगर वाहन चलाते हैं तो हेलमेट का इस्तेमाल करते हैं? बताइए कब से पहने लगे और कहाँ जाते हैं तो हेलमेट पहन, देखो उनको बताएगा। बहुत बढ़िया, जोरदार तालियां बजाने के लिए। देखिए आज आपने हाथ खड़ा करा यहाँ पर, इसलिए खड़ा करा, कितने कॉन्फिडेंस से खड़ा करा, क्यों? क्योंकि आपके माता पिता नियमों का पालन करते हैं, तो हमें एक हमारे लिए भी सम्मान की बात होती है कि यार हमें कहीं निराश नहीं होना पड़ा। क्या आपने हाथ खड़ा करा, जैसे इन्होंने कितने कॉन्फिडेंटली बोला कि कहीं भी जाते तो पहनते हैं। हेलमेट पहनना बहुत जरूरी है यदि आप दो पहिया वाहन चला रहे हैं। वैसे ही यदि हम कार चलाए तो सीट बेल्ट पहनना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने सीट बेल्ट यदि लगाया होगा